अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। एक और रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और ये चिकन चरखे की रेसिपी है, लेकिन थोड़े से डिफरेंट टाइप की है। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले मैंने एक पूरी मुर्गी ले ली है, और इसकी पूरी जो खाल है सबसे पहले उसको रिमूव कर लेना है। चिकन की यहाँ पे सारी खाल उतार ली थी और चिकन को वॉश भी कर लिया है, और अब हम इसमें कट लगाएंगे ताकि मसाला चिकन के अंदर सही तरह से जज़ब हो सके। अब हम चिकन का मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने सबसे पहले 3 टेबलस्पून सिरके का लिया है, ये भी एप्पल साइडर विनेगर है। इसके बाद 1 टेबलस्पून नमक की, और दही 100 ग्राम्स मैंने इसमें ऐड किया है। और 1 टीस्पून भर के डरफला मिर्चों की, और इसको फिर मिक्स कर लेना है। और अब इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। और अब बाकी का मसाला तैयार करने के लिए मैंने 1/2 टीस्पून अजवाइन ली है, 1/2 टीस्पून ही लहसुन का पाउडर लिया है, और 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी कम हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, और चंद दाने काली मिर्चों के लिए हैं। और इन सब मसालों को मिक्स करके ग्राइंड कर लिया है। और अब सारे पिसे हुए मसालों को दही के अंदर मिक्स कर देना है। अब इसमें 2 चुटकी के बराबर येलो फूड कलर ऐड करना है। और 1/2 टेबल स्पून मेथी। अब इस मसाले को पूरी मुर्गी पे अच्छी तरह से लगा दें, और 3 से 4 घंटे के लिए आपको मिनिमम फ्रिज में रखना है, ताकि मसाला मुर्गी के अंदर अच्छी तरह से जज़ब हो जाए और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आए। अब हम चिकन की कुकिंग स्टार्ट करेंगे, और चिकन की कुकिंग के लिए मैंने एक बर्तन ले लिया है और इसमें पानी डाला है। पानी बेसिकली मैंने इसमें स्टीम को बनाने के लिए डाला है, और इसके अंदर ये एक स्टैंड रख दिया है, और इस स्टैंड के ऊपर अब चिकन को रखना है। लेकिन ध्यान रहे कि इतना पानी डालें कि वो चिकन को बिल्कुल भी टच ना करे, और इसको ढक के 1 घंटे के लिए बहुत ही धीमी आंच पे रख देना है, क्योंकि ये स्टीम पे पकेगी तो इसको काफ़ी टाइम लगता है। मुर्गी में काफ़ी ज़्यादा स्टीम बन चुकी है, और स्टीम के साथ इसकी बहुत ही अच्छी कुकिंग हुई है। इतनी नरम चिकन थी कि हाथ लगाने से टूट रही थी, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी कुकिंग हुई थी।
जब मैंने चिकन को बाउल से निकाल कर इस स्टैंड पर रखा था तो बाउल के अंदर थोड़ा सा मसाला बच गया था। अब हमें उस मसाले की ज़रूरत होगी, तो उसी मसाले को मैंने एक प्याले में डाल दिया है और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून मोर ऑयल और थोड़ा सा येलो फूड कलर। नॉर्मली तौर पर चिकन को स्टीम में तैयार करने के बाद इसको फ्राई किया जाता है, लेकिन मैं आज आपसे थोड़ा सा डिफरेंट तरीका शेयर करूँगी। चिकन हमारी पक चुकी है और अब इस बचे हुए मसाले को हमने दोबारा से अच्छी तरह से चिकन पे लगा देना है और ओनली 10 मिनट्स के लिए ओवन में रख देना है, जो हमें बिल्कुल वैसा ही कलर देगा जो फ्राई करने के बाद आता है। और ये है 10 मिनट्स ओवन में रखने के बाद चिकन का फाइनल रिजल्ट। इतना खूबसूरत कलर आया था, जितनी ही ये देखने में खूबसूरत है इतनी ही खाने में भी टेस्टी थी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का बटन भी दबा दें ताकि आप आने वाली हर वीडियो के बारे में जान सकें। और इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।